हिमालय में जहां एक ओर पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मोदी जी के जन्मदिन को युवक कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया। युवक कांग्रेस ने गांधी चौक से चलकर पूरे बाजार में नारेबाजी करते हुए भीख मांगी। पूर्व युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष रोशन काबड़े ने बताया कि देश का युवा आज बेरोजगार है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके पास रोजगार है ना ही व्यापार है। कोरोना काल में लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनके लिए मोदी सरकार के पास कोई रोजगार देने की नीति नहीं है। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश पटेल ने कहा, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाले मोदी सरकार आई थी, जहां पर अब वादा मोदी सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई है। देश के बड़े बड़े कंपनियां जा रही हैं, साथ ही में सरकारी नौकरी नहीं है, युवाओं का भविष्य खतरे में है। इस अवसर पर युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश पटेल, साथ ही में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस रोशन काबड़े और ब्लॉक सेवादल अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, जिला महासचिव विकास राजपूत, बसंत रघुवंशी, साथ ही में राकेश रघुवंशी, वरुण पटेल और राजेंद्र पटेल, मोनू राजपूत, वीरेंद्र राजपूत, रंजीत चौधरी, पंकज चौधरी, आकाश तार, साथ ही में दुर्गेश वैरागी, दीपक राजपूत, रमन परिहार और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।